छोटे हो आप लोग यार. कुछ लोग तो बहुत ही छोटे छोटे लग रहे हैं मुझे. कितना यंग हूँ? कितना सुंदर हूँ मैं? सर बहुत. ये मुझे एक्सप्रेशन देखना था मुझे. सर बहुत. ऑल ऑफ यू आर इन द स्कूल राइट? हाँ, एक एक करके देखते हैं किसकी आवाज ज्यादा आ रही है. 12th, 11th, 10th, 1st. फर्स्ट ईयर पूछा था मैंने. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर बुड्ढे भी बैठे हैं यहाँ पे. समहाउ और द अदर ये जो एज ग्रुप है आप लोगों का, ये ऐसा है कि इसको देख करके ही मेरे को कुछ होने लग जाता है. मतलब वो कुछ कुछ होता है वाला नहीं, अच्छा लगता है क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सेशंस हो रहे हैं वो आप ही लोगों के लिए हो रहे हैं, क्योंकि आप फ्यूचर हो इंडिया का. इंडिया का नहीं, इस वर्ल्ड का फ्यूचर हो. और फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, मजेदार होना चाहिए, थका हुआ नहीं होना चाहिए, डरा हुआ नहीं होना चाहिए. मजा आना चाहिए जिंदगी जीने में, क्योंकि आपको मजा आएगा तभी तो आपके आसपास वालों को मजा आएगा. आप खुद डरे हुए होंगे, थके हुए होंगे अपनी जिंदगी से, तो हमने बच्चे भी ऐसे होंगे आपके. अभी तो खैर बच्चों तक तो क्या सोचोगे आप, हुए तो नहीं है किसी के, कह नहीं सकते आजकल. हो जाते हैं, पता नहीं लगता है, ना हमें पता लगता है ना घर वालों को पता लगता है. तो मैं पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूँ आज क्या होने वाला है. आप लोगों को बताना है कि आज तक आपने मेरे जितने भी सेशंस देखे हैं, अगर उसको 3-4 लाइन के अंदर अंदर समअप करना हो तो वो क्या है जो आपको समझ आया है. बताइए कौन आप में से बोलना चाहेगा. आप बोलिए, बोलिए. हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें हमें मजा आना चाहिए, कुछ किक मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास में लोग बोल रहे हैं तुम्हें यही करना पड़ेगा. हमारा मन नहीं करने का लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती कर रहे हैं. ये नहीं करना चाहिए, खुशी खुशी करना चाहिए, हंसते रहना चाहिए. यू हैव अ लवली स्माइल, आई मस्ट से दैट. वेरी नाइस, लेट्स गेट बिगन फॉर. आप लोगों के अंदर ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप लोगों के अंदर मुझे एक अजीब सी एक खुशी नजर आ रही है, एक अजीब सा स्पार्क नजर आ रहा है आप सबके अंदर. मे बी बिकॉज ऑफ योर एज, अभी जिंदगी के इतने थपेड़े खाए नहीं है आप लोगों ने. शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए, इन लॉज नहीं है. ये जो खुशी है ना, इसको कभी मरने मत देना. मेरे पास इस बात को पकड़ करके रखना, यही मैं दिल से चाहता हूँ कि आप बस एंड तक, जब तक भी आप हो 150-200 साल तक, मुंह के दांत गिर चुके होंगे करके हंस रहे होंगे बिना दांत के, जैसे भी हंसते हैं हंसते रहो, खुश रहो हमेशा हर हाल में. कुछ भी हो रहा है क्या फर्क पड़ता है. और कौन बोलेगा? हाँ आप बोलो. जो करना है अभी करना है और आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ना और सब अपना सब में बेस्ट देना. जब आपने जैसे कहा था कि जब आपको कोई मिले तो उससे आप में चेंज होना, चेंज फील होना चाहिए. आपको वही स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए, जैसे आप पहले थे वैसे नहीं, कुछ अलग होना चाहिए हर बार. एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड. एक बार खड़े हो जाओ, खड़े. मेरे को सिर्फ ये नहीं अच्छा लगा, इन्होंने जो बोला है, क्या नाम है आपका? आश्रय. आश्रय, तो आश्रय ने जो बोला मुझे सिर्फ वो अच्छा नहीं लगा, बट जिस तरह से बोला वो भी बढ़िया है. तो मतलब इस चीज को भी आज यहाँ पर याद रखना है. या तो नहीं बोलना है, चुपचाप बैठे रहो, बोलने की जरूरत नहीं है. बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, गलत भी बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना. किसी के बाप का कर्जा थोड़ी दे रहा है. सोचने वाला माइंड है, हम यही सोचते रहते हैं मैं सही हूँ गलत हूँ. आता है ना ये थॉट्स माइंड में कि पता नहीं मैं क्या, ये वो, सब सही है और सब गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जो भी बोलना है वो कॉन्फिडेंस से बोलना है. बताइए और कौन बोलना चाहेगा? पहले हाथ ऊपर, आप बोलिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइफ में हमें हैप्पी होना चाहिए. मतलब हम जो भी कर रहे हैं हैप्पीली कर रहे हैं, और हम कर रहे हैं, हमें पता है सही है, तो हमें करना है, बस अपना बेस्ट देना है. लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर. इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली है कि हमको लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए. मतलब क्या है कि खुश रह के काम करना चाहिए. पूरी दुनिया क्या कर रही है कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना, लोगों को खुश होने के लिए काम कर रही है. दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. अगर ये आपको बारीकी से मेरी ये बात समझ आ जाए ना, तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में. पूरी दुनिया क्या कर रही है, खच्चरों की तरह, जैसे गधा होता है, गधे को क्या चाहिए होता है, दिन के एंड में चारा चाहिए होता है. तो काम इसलिए नहीं कर रहा, गोल गोल इसलिए नहीं घूम रहा, उसको रस्सी से बांधा हुआ है, डंडे भी पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इसलिए नहीं कि मेरे को मजा आ रहा है वो बोझा ढो करके, इसलिए कि मेरे को दिन के एंड में चारा मिलेगा.
और अगर मैं अच्छे से काम करूँगा तो मुझे गधी भी मिलेगी। फिर मेरे छोटे छोटे गधे गधी होंगे, फिर उनको भी मैं इसी काम में लगा दूंगा। ये दुनिया की हालत है, जबकि एक्चुअल में लाइफ क्या है, हम कोई गधे थोड़ी हैं, हम इंसान हैं। तो हमारे पास में चॉइस है, तो उस चॉइस को यूज करना चाहिए। तो चॉइस को यूज करने का तरीका क्या है, जो भी काम करो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, इसलिए मत करो कि ये काम करके मुझे ये मिलेगा और फिर मैं खुश होऊंगा। ना, काम ही करो खुश हो करके, मतलब खुश रहो हमेशा और अपनी खुशी को उस काम के थ्रू एक्सप्रेस करो। फिर आप जो भी काम करोगे उसमें प्यार होगा, उस काम के ऊपर आपकी खुशी की छाप होगी, उस काम में एक नशा होगा, कुछ मजा होगा, मस्ती होगी। जैसे होता है ना, कुछ सिंगर्स होते हैं, उनकी आवाज में एक अलग ही मजा होता है, नशा होता है, आपको कहीं और ही ले जाते हैं। यू ट्रांसेंड, ट्रांसेंड का मतलब होता है कि आप कहीं और ही चले गए, किसी और ही दुनिया में चले गए, सब भूल गए, अपने सारे दुख भूल गए कुछ देर के लिए, जब तक उसका गाना सुन रहे हो, उसकी आवाज़ सुन रहे हो। तो आपकी आवाज़ में, आपके काम में, आपके एक्शंस में, आपकी आंखों में कुछ होगा। सब सो गए हैं, खो गए हैं? सच बताना, कौन सो गया था? कोई नहीं, सब खो गए थे। दोनों में फर्क समझ आ गया ना? एक है आप खुश होने के लिए काम करो, एक है खुश रहो और अपनी उस खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए काम करो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको ये दूसरे ऑप्शन को पकड़ करके रखना है। अगर इसको समझ पाओ तो बड़ा मजा आएगा, लाइफ में वैसे भी बहुत आगे तक जाओगे। चलिए प्लीज हैव अ सीट। और कौन बोलना चाहेगा? आप बोलिए, बताइए। सर, वी हैव टू लिव आवर लाइफ फॉर आवर सेल्फ। अगर हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे जो ड्रीम्स है वो ड्रीम्स ही रह जाएंगे और रियलिटी कभी नहीं बन पाएंगे। एक्सेलेंट पॉइंट। मतलब सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग, लेट्स गिव अ बिग हैंड। ये ना लोगों को अंदर ही अंदर मार रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी कंप्लेनिंग की आदत पड़ जाती है। मैं ना वो करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी है। उसके बाद में सिचुएशन भी ठीक हो जाती है। मैं करना तो चाहता हूँ बट आपको पता नहीं है मैं ना बहुत बिजी हूँ। उसके बाद में मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे ना बच्चे हैं, वो बच्चों की वजह से मैं बिजी हूँ। अब ना वो बच्चे बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, तो मैं अपने पोते पोती में बिजी हूँ। मतलब वो बंदा लाइफ में, बंदा या बंदी जो भी है, वो लाइफ में कभी कुछ करेंगे ही नहीं। क्या करेंगे? बस कंप्लेंट्स करते रहेंगे, कंप्लेंट्स करते रहेंगे, एक्सक्यूजेस देते रहेंगे। तो ऐसा मत बनो, जो करना है वो कर दो। क्या सोचना है, दुनिया शुरू में थोड़ा अगेंस्ट जाती है, बाद में साथ साथ आ जाती है, अगर आपकी नीयत साफ है तो। अगर आपके अंदर की तो सभी पीछे आते हैं। बात सीधी सी बात है, नथिंग स्पीक्स लाउडर देन सक्सेस। देखो तभी तो मैं इतना तेज तेज बोल रहा हूँ। सक्सेसफुल हूँ तो बोल पा रहा हूँ, बस सीधी सी बात है। नेक्स्ट। हाँ, आप बोलिए। सर, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, एंड हमें जो अपने अंदर जो अच्छी चीज है उसको सामने आना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम वेस्ट क्या है? टाइम वेस्ट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या है, अगर मेरे सेशंस को देख के आपको समझ। टीवी देख रहे हैं, सपोज समथिंग एनीथिंग, और हम कहीं भी खोए हुए हैं, दैट्स टाइम वेस्ट। कंज्यूमिंग आवर टाइम, सपोज यू सेड दैट इफ वी आर इवन स्मोकिंग वी शुड डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव। ये कुछ सीख रहे हैं। यस सर, वहां पर भी कुछ सीख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुबह से रात तक सुट्टा मारते जा रहे हैं सीखने के लिए, बट अगर मजबूरी है, आदत पड़ गई है, तो कोई बात नहीं, वहां से भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, राइट? टीवी से भी सीख। हाँ, टीवी से भी कुछ सीख रहे हैं। तो टीवी देखना है या नहीं देखना है, मेरे सेशंस का मतलब क्या है? हाँ, देखना है लेकिन हाँ, सीखने के लिए देखना है, और दूसरा लिमिट में देखना है, राइट? ये दो चीजें है ना जो पकड़ में आ रही है। लत नहीं लगनी चाहिए हमको किसी भी चीज की। तो क्या पढ़ने की लत नहीं है? मैं वैसे एक मजे के लिए पूछ रहा हूँ। अरे है, है, इस गलत फहमी में मत रहना, इसको भी याद रखना लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पर टच कर रहा हूँ, कहीं माइंड में ऐसे कोई नोशन नहीं बनाने हैं कि बिल्कुल ही आप जिसे कहते हैं ना घोचू बन जाओ लाइफ में, कि बस सुबह से रात तक पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। अबे करोगे यार इतना पढ़ करके, मतलब कुछ बन भी गए तो उससे हुआ क्या, वो सब फ्यूचर में है। करना क्या है, बैलेंस बनाना है, पढ़ना है, लेकिन साथ साथ में ये नहीं है कि हम लाइफ को एंजॉय ना करें, क्योंकि एक बार जैसी आदत पड़ गई वैसी पड़ जाएगी। ये मत समझो कि मैं वो बंद करके एंजॉय करूंगा, आदत की बात है ये। अगर मस्त रहने की आदत है तो है, जैसे मेरी आदत से नहीं है, स्कूल टाइमिंग से ही है, तो मस्त रहने की आदत है तो है। आप कौन बोलेगा? आप तो बोल नहीं चुके? नहीं सर। बोलिए।
the only thing I have learned from your sessions are that be happy, sab cheez aasan hai, and don't waste time, and future ki chinta mat karo, bas jo aaj hai usme jiyo. Bas. और आज में जो भी सही काम है वो करते चले जाओ, लेकिन अगर कुछ गलत काम भी हो जाए तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है. इंसान गलतियों का पुतला है. कितनी गलतियां करी होंगी एक इंसान ने, उसकी कोई लिमिट नहीं है और करता ही रहता है. तो चलता है, क्या फर्क पड़ता है ना. मतलब ओवर प्रेशर नहीं रखना है अपने ऊपर. वेरी नाइस, लेट्स गिव अ बिग बिग और कौन है बोलने वाला? आप बोल चुके हो. ये क्या है? सही में आप लोग तो कुछ भी कर सकते हो यार. मैं बड़ा सोचता था कि मेरा वो ट्विन बाई वाला इतना मजा आएगा, उसकी जगह मैं डेट पे चला खुलवा दी तुम आगे, क्या करूं, जैसा है सो है. क्या नाम है आप दोनों का? सर अंशुमन आर्यमन. अंशुमन एंड आर्यमन. आर्यमन आप बोलिए. सर भूल गए, वो डेट वाला आइडिया सोच रहे यार. अंशुमन की आइडिया बुरा नहीं है. बताइए. टुमारो इज फ्यूचर, यस्टरडे वाज पास्ट, टुडे इज अ गिफ्ट, सो इट इज नोन एज प्रेजेंट. सर कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है. वेरी नाइस, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर. मज़ा बढ़ा रहा है मेरे को आप लोगों के साथ में बात करके ना. थोड़ा बढ़ाएंगे इस सेशन को, एक घंटा तो नहीं भाई, लेकिन 10 मिनट के लिए एक्सटेंड करेंगे. 15 मिनट सर. ना आपकी ना मेरी, 12:30 मिनट. 20 बोलने वाला था, 15 बोला है. मैं 8 बोलने वाला था पहले, मैंने 10 बोला है. ऐसे नहीं भैया, भैया डीटी लगाओ. कितने लोग अपनी मम्मी की याद आ गई. हाँ वही सब्जी वाले की. अब नेक्स्ट कौन है? आप बोलो. We must always keep our child, the child in us alive, ताकि हमारी सोच हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए एंड हमें अपने बिलीफ चेंज करने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए. लाइक ऑब्जर्वेशन पावर हाई रखनी चाहिए और ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने बिलीव्स को चेंज करते रहना चाहिए. इट्स अ वेरी बिग पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड. आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी दुख हैं, उसकी जड़ क्या है? आपके बिलीव्स. बस जैसा आप मानते हो. हाँ सर, जो ज्यादातर हमारे एल्डर्स होते हैं उनके अंदर मैंने ये चीज देखी है, कि हमेशा अपना बच्चा जिंदा रखना चाहिए. हाँ मतलब हमको अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखना चाहिए. अब बच्चों में और बड़ों में फर्क क्या है अगर बिलीव्स का नहीं है तो? बड़े जो है ना, उन्होंने अपने बहुत सारे बिलीव्स बना लिए हैं एंड दे आर टू रिजिड अबाउट इट. अपने बिलीव्स को चेंज नहीं करते हैं, पकड़ करके बैठे हुए हैं. चाहे जमाना बदल गया है लेकिन अभी भी वो पता नहीं कहां 20 साल पीछे ही जी रहे हैं. देख नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है. बच्चों की खास बात क्या है? बड़ी जल्दी भूलते हैं चीजों को. बच्चों की ये खास बात है जो बड़ों की नहीं है. बड़ों में क्या प्रॉब्लम है? कहीं किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम हो गई, मान लो 15 साल पहले किसी से कोई कहा सुनी हो गई, उसको अभी भी बैठ करके याद कर रहे हैं. वो जो 15 साल पहले तूने मुझे कहा था ना, वो नहीं कहना चाहिए था, मैं जी जाऊं तेरा. होते हैं ऐसे कैरेक्टर्स. हाँ ना, ये क्या है, अजीब अजीब से बिलीव्स अपने माइंड में बनाए हुए हैं और खुद ही दुखी हो रहे हैं उन बिलीव्स की वजह से. बच्चों की खास बात क्या होती है? कोई बिलीव्स है ही नहीं, जो है सो है, मजा है, मस्ती है, जो लाइफ जैसे चल रही चल रही है. लड़ाई झगड़ा हुआ, भूल गए, 5 मिनट बाद भूल गए, है ना, वापस से एक हो गए. मतलब कि लाइफ बहती रहती है, बहती हुई नदी के जैसी है जिंदगी बच्चों की. और बड़ों की कैसी है? ज्यादातर, हाँ, नॉट एवरीबडी, क्योंकि मैं भी बड़ा ही हूं. ज्यादातर स्टैग्नेंट, बस अपने बिलीव्स को पकड़ करके बैठे हुए हैं, अपने आप को बदल नहीं रहे हैं टाइम के साथ साथ में. तो वी मस्ट बी ऑलवेज फ्लेक्सिबल. अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना है, उसको कभी मरने नहीं देना है किसी भी हालत में. और अंदर के बच्चे को जिंदा रखने का मतलब यही है कि लाइफ में कभी भी ज्यादा सीरियस नहीं होना है. अगर इस देश का आपको प्राइम मिनिस्टर भी बनना है आगे जा करके, व्हाई नॉट, आपको बनना है. एक बार खड़े होंगे आप, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर. ये
ये आप एमएलए के लिए तालियां बजा रहे हो, प्राइम मिनिस्टर के लिए बजा रहे हो, बड़ी तगड़ी हो रही है यार। हाँ, उससे पहले एचआरडी मिनिस्टर बनना है, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर बनना है। वेरी नाइस, ये बोलने का बहुत करेज चाहिए होता है, तो शी हैज अ लॉट ऑफ करेज एंड आई एम श्योर आगे जाकर के आप कुछ ना कुछ तो बड़ा करोगे। भाई हमारा थोड़ा ध्यान रखना जी, गरीबों का थोड़ा ध्यान रखना आगे जाकर के अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हो, एचआरडी मिनिस्टर भी बन जाते हो, कुछ भी बन जाते हो, लेकिन अपने अंदर के बच्चे को मत मरने देना, बस ये याद रखना। और बच्चे बन करके आप बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कितना मजा आएगा। कुछ भी ऐसा कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा चेंज किया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एजुकेशन सिस्टम, है ना, उसमें कुछ ऐसा चेंज किया जाए, एजुकेशन सिस्टम चेंज करें, बहुत बढ़िया, कि किसी तरीके से इंटरेक्टिव बनाया जाए पढ़ाई को, लोगों को मजा आए, और इनोवेशन को, टैलेंट को इम्पोर्टेंस दी जाए। हाँ, उनका जो टैलेंट है उसको इम्पोर्टेंस दी जाए, बजाय कि सिर्फ किताबी नॉलेज को, है ना। और मेरे सेशंस को हर स्कूल में कंपलसरी कर दिया जाए। उसमें जो मेरी उल्टी सीधी बातें होती है, बैठ टाइप की, उसमें पी लगा दिया जाए, नहीं तो अलाउड नहीं होगा ना। हाँ, बाकी मिनिस्टर ऑब्जेक्ट करेंगे, जैसे ही आप बोलोगे ना पार्लियामेंट में जाकर के कि ये संदीप महेश्वरी कंपलसरी होंगे, नहीं वो तो ये नहीं होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को तो मजा आएगा ही, वो तो पी को तो समझ ही जाएंगे, पी करते रहना बीच बीच में। हाँ, लिप्स तो रीड कर ही लेंगे। और मैं तो अभी क्या हूँ, मैं तो बैचलर्स कर रहा हूँ गालियों में, आप लोग तो सब पीएचडी हो। तो भोला भाला हूँ, मुझे क्या पता जी। आप तो दूर से देख करके बता दो कि उड़ती चिड़िया वो मन में क्या गाली दे, कौन सी दे रहा है। एनी हाउ, इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स रियली एन ऑनर टू मीट यू, क्योंकि ये बात बोलना और इस एज में ये बात सोचना, तो यू आर नॉट जस्ट एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी, यू आर ऑल्सो एन इंस्पिरेशन टू मी, बिकॉज इस एज में मैं यहाँ तक नहीं सोच सकता था जहाँ तक आप सोच पा रहे हो। तो अगर आप ऐसा सोच पा रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर। ऐसे सोचना है, हम सबको ऐसे सोचना है, डरना नहीं है सोचने में। नेक्स्ट कौन बोलना चाहेंगे, आप बोलिए। सर, लाइफ में जब एक बार ठान लो कि हमें कुछ करना है, तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखो कि ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हो कि ये हमें चाहिए वो आपको तुरंत मिल जाएगा, उसके पहले आपको कई बार गिरना पड़ेगा, लेकिन जब भी गिरो उठो जरूर, रुको मत, वहाँ पे उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तुमने सोचा था वो तुम जरूर पा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे जिन लोगों ने उसे अचीव किया है वो भी तुम में से ही थे, कोई स्पेशल नहीं थे, तुम्हारे जैसे ही एक कॉमन पीपल थे। एक्सेलेंट पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दैट। वेरी वेरी नाइस, आई एम सो ग्लैड, मतलब कुछ तो हुआ ये सब करने का। कई बार ना मेरे अंदर भी एक डाउट्स आ जाते हैं, मुझे लगता है ये सब जो मैं कर रहा हूँ उसका कुछ हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब देख तो रहे हैं लोग, बट अंदर कुछ जा भी रहा है, कुछ चेंज आ भी रहा है, लाइफ किसी की बेटर हो भी रही है या नहीं हो रही है, कहीं किसी की ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आ भी रही है, नहीं आ रही है, बट अब जब देखता हूँ तो देन आई एम फिल्ड विद हैप्पीनेस, क्योंकि यही तो मेरे को चाहिए था जो आप दे रहे हो मुझे अभी, और मुझे क्या चाहिए आप लोगों से, आप लोग खुश हो, बस मेरा काम ख़त्म हुआ, मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा हुआ, इससे ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है। और कोई सेंटी कर दिया जी आपने तो। मुझे एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना है, आपने अभी बोला कि यू आर नॉट श्योर कि जो आपके सेशंस हैं वो किसी को हेल्प कर रहे हैं या नहीं, बट अगर मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊं, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट और सब लोग चाहते थे कि मैं एमबीबीएस करूं, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग पोएम्स एंड नॉवेल्स एंड ऑल, आई स्टार्टेड दैट, बट एमबीबीएस के चक्कर में आई टोर ऑफ द पेजेस जो मैंने लिखने शुरू किए थे, एंड आई थॉट कि मुझे वहीं एंटर करना पड़ेगा, बट देन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे आपकी वीडियोज़ का लिंक भेजा, मैंने दो दिन में बैठ के ऑलमोस्ट सारे वीडियोज़ देखी, एंड आफ्टर दैट मैंने जाके सामने से बोल दिया कि आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू इट, मैं होम्योपैथी करूँगी जिससे मेरा प्रोफेशन भी ना जाए, मेरा पैशन भी ना जाए, एंड नवंबर राइटिंग मंथ था तो आई रिटन नॉवल एंड इट गॉट शॉर्टलिस्टेड ओवर देयर। ओ तेरे, थैंक यू।
Thank you, Diya sir. और होम्योपैथी वैसे भी मतलब मेरे को तो पर्सनली जो मीठी गोलियां होती है ना वो बड़ी सही लगती है, तो मुझे कभी कुछ दिक्कत हो या कुछ हो, अरे सर मुझे बड़ा फायदा होने वाला है इस सेशन का, जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पे कोई ना कोई आप में से ही मिलेगा, कहीं कोई प्राइम मिनिस्टर होंगी, कहीं कोई सिविल सर्विसेज में होगा, कहीं कोई पुलिस में होगा, कहीं कोई डॉक्टर होगा, कहीं कोई सर्जन होगा, लॉयर डिफेंस, इनकम टैक्स ऑफिसर, अरे चलिए मैं गलत काम करता ही नहीं, चोर लगता हूँ शक्ल से, ये जो 500,000 के नोट बंद हुए मेरे लिए ही तो हुए हैं, मेरी वजह से हुए हैं, बहुत बढ़िया बचा लूंगा आपको। और कौन है? आप बड़े क्यूट लग रहे हो, आप बोलो, आप कौन सी क्लास में हो? सेवेंथ। सच में? बताइए। मैंने आपके सेशन से सर ये सीखा कि हमें अपने पास्ट को लेके परेशानी होना चाहिए और नहीं अपने फ्यूचर को लेके, हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, और अगर हमने कोई छोटी से छोटी चीज भी अचीव करी है तो उसके लिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। वेरी नाइस, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर बढ़िया, मतलब अपने जैसा। अपने जैसा बनना है,